हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत हॉट टॉपिक करने जा रहे हैं डिस्कस कि डमी स्कूल वर्सेस रेगुलर स्कूल में कौन सा स्कूल हमें प्रेफर करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो हम लोग उसमें क्या क्या चीज़ें जानेंगे। एक तो हम लोग ये जानेंगे कि डमी स्कूल बेसिकली है क्या और ये डमी स्कूल कैसे रेगुलर स्कूल से बेटर है। प्लस हम लोग ये भी जानेंगे कि कैसे रेगुलर स्कूल डमी स्कूल से किन किन चीज़ों में बेटर है, क्या उसके एडवांटेजेस क्या है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और लास्ट तक ये कंक्लूजन निकालेंगे कि हमें कौन सा स्कूल प्रेफर करना चाहिए, कौन सा स्कूलिंग हमें प्रेफर करना चाहिए। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ये चैनल, जिससे आपको इस टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस समय समय आपको मिलते रहें, उनकी अपडेट्स आप तक अपने आप पहुँचते रहें। तो देखिए, ऐसा है कि डमी स्कूल जो है वो होते क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, तो देखिए, डमी स्कूल वो स्कूल हैं जहाँ पर बच्चा बिना जाए उसकी अटेंडेंस लग जाए। मतलब ऐसे स्कूल्स कई सारे डेवलप हो गए हैं जहाँ पे बच्चा रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करता, वहाँ पे सिर्फ फाइनल जो है एग्ज़ाम देने जाता है या फिर कोई प्रैक्टिकल वगैरह तो हो जाता है, अदरवाइज वो स्कूल अटेंड नहीं करता। लेकिन स्कूल वाले उसकी अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं और उसको फाइनल एग्ज़ाम देने देते हैं। और जब ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होता है तो उस टाइम पर वो खाली बैठा अपने घर पर, अपने पीजी में, अपने हॉस्टल से या फिर अपनी कोचिंग से पढ़ाई कर रहा होता है, अपनी जेई की या नीट की या जो भी उसको अपनी सेल्फ स्टडी में अपना करना होता है। तो ये एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वालों के लिए डमी स्कूल का ये पैटर्न बाद में जाके लेटर ऑन डेवलप हो गया। पर अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री जाएंगे डमी स्कूल की, तो देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोचिंग इंडस्ट्री की वजह से ही डमी स्कूल आए। ऐसे आप देखोगे बहुत सारे गाँव देहातों में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स होते थे जो हम लोग पहले इनको फर्जी स्कूल बोलते थे। ऐसे स्कूल जहाँ पे बच्चा नहीं जा रहा है और स्कूल जो है उसको बिना अटेंडेंस के, वो बच्चा किसी वजह से नहीं जा रहा था क्योंकि वो कहीं जॉब कर रहा था या फिर घर के काम धंधे में लगा हुआ था, और वो बिना उसको स्कूल के अटेंडेंस के बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देने की परमिशन दे देते थे और उसको फिर वो पास करा देते थे या फिर जो भी उसको मतलब हेल्प करते थे विदाउट हैविंग एनी अटेंडेंस। तो ये डमी स्कूल का कल्चर तो शुरुआत से ही रहा है इंडिया में, और ऐसे स्कूल फर्जी टाइप के स्कूल बहुत सारे रहे, बट ये पहले निगेटिव सेंस में देखे जाते थे। हुआ क्या, जैसे जैसे ये कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप हुई और इसके कुछ नोडल सेंटर बनना स्टार्ट हुए दिल्ली में, कोटा में, हैदराबाद में, तो हुआ क्या कि यहाँ पे आके बहुत सारे स्टेट्स के, बहुत सारे सिटीज के बाहर से बच्चे आके पढ़ने लगे। अब इन बच्चों के लिए कैटर करने के लिए वहाँ पे कोई स्कूल हो भी सकता है। अब जैसे कोटा में खूब सारे स्कूल डेवलप हो भी गए हैं, बट 1.5-2 लाख जो बच्चा आ रहा है कोटा में, उसको कैटर करने के लिए कोटा में भी डमी स्कूल खुल गए हैं, कोचिंग्स ने अपने भी डमी स्कूल खोल दिए हैं। बट वो क्या करते हैं, बच्चे वो यूपी से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा से, जहाँ से भी आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे उन्होंने एक डमी स्कूल ज्वाइन कर रखा है जहाँ पे वो फाइनल ईयर एंड पे एग्जाम देने जरूर जाएंगे, बट वो बाकी टाइम अपना कोटा में बैठ के अपनी तैयारी करेंगे। उनको कोई अटेंडेंस मार्क करने वहाँ पे नहीं जाना, तो वो स्कूल जाने की टेंशन से फ्री टाइम बच गया और उस टाइम को उन्होंने यूटिलाइज किया अपनी प्रिपरेशन में। तो ये डमी स्कूल का कॉन्सेप्ट कोचिंग इंडस्ट्री के साथ धीरे धीरे निगेटिव से पॉजिटिव सेंस में आने लगा। और ये आप देखें कि डमी स्कूल की जो निगेटिव से पॉजिटिव जो इमेज बनी, तो उस एक तरीके से फैशन बन गया। बच्चों ने रेगुलर स्कूल जो है जाना ही बंद कर दिया और डमी स्कूल ज्वाइन करने लगे। इतनी ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि जो रेगुलर स्कूल्स के जो बड़े बड़े एसोसिएशंस हैं, DPS है या फिर और भी बड़े बड़े जो आपको स्कूल्स के जो ग्रुप्स हैं, इन सारे ने जाके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अचारी मिनिस्ट्री में जाके कंप्लेन की डमी स्कूल की, और उन्होंने बोला कि हमें भी इतनी JEE का जो एग्ज़ाम होता है इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों पे इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए, डमी स्कूल में अटेंडेंस का कुछ होना चाहिए, मिनिमम परसेंटेज का कुछ होना चाहिए कि इतनी 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। तो ये सारे इश्यूज उभर के आने लगे। देखिए, डमी स्कूल का एक बेनिफिट तो था, ये बेनिफिट ये था कि बच्चे जब स्कूल नहीं जा रहे हैं, अब बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो अब देखिए उनका सुबह मॉर्निंग 7 AM से लेके आफ्टरनून 4 PM तक वो स्कूल में आने जाने और स्कूल के काम में बिजी हैं। फिर वो घर आते हैं तो स्कूल का काम लेके आते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। अच्छा, स्कूल की जो पढ़ाई होती है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव बेस्ड होती है, वहाँ पे राइटिंग का भी एज इट इज एक फॉर्मेट में लिखने का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, वो बोर्ड पे फोकस करते हैं, वो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने होते हैं। जबकि JEE और नीट का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, वहाँ पे थ्योरी की बजाय न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, और उसके लिए जो प्रिपरेशन होती है वो स्कूल में नहीं कराई जाती। इसीलिए हम लोग कोचिंग ज्वाइन करते हैं बच्चे, और कोचिंग में जिस टाइप का पढ़ाया जाता है उस टाइप से ही JEE और नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों को कहीं ना कहीं स्कूल जाने से टाइम की शॉर्टेज रहती है, थक जाते हैं वो आने जाने में,
ऐसा भी वेस्ट होता है, ना उनके पास टाइम रहता है, ना उनके पास एनर्जी रहती है कि वो कोचिंग की चीज़ों पे जो है स्टडी मटेरियल उस पर फोकस कर सकें। तो कहीं ना कहीं कोटा की जो सक्सेस स्टोरी है उसमें डमी स्कूल्स का हाथ रहा है, और डमी मैं बोलूँगा कि कोटा की सक्सेस स्टोरी में टीचर्स की जो कोटा में क्वालिटी है उससे उसका कम योगदान है, ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोटा के इकोसिस्टम का, और इकोसिस्टम में डमी स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। कोटा के बाद ये जो डमी स्कूल का कल्चर है ये धीरे धीरे और सिटीज में भी फैलने लगा, लखनऊ में, भोपाल में, कानपुर में, इंदौर में, और हर जगह इस टाइप का कॉन्सेप्ट आने लगा, या कुछ जगह स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आने लगे, हरियाणा में कई जगह स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम स्कूल से तैयारी कराने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आने लगा कि स्कूल और कोचिंग दो अलग अलग चीजें, बच्चों पर प्रेशर ज्यादा हो रहा है और बच्चे उसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीज़ें सही हैं कि बच्चा अगर टाइम निकाल ले, बच्चे के ऊपर बर्डन कम हो, तो बच्चा डमी स्कूल में जाके अपना सिर्फ फोकस करे अपने एग्ज़ाम पे, और वो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन सच्चाई इससे थोड़ी सी अलग है। क्या अगर आप परसेंटेज निकालें डमी स्कूल ज्वाइन करने वालों का, और निकालने जो सक्सेस रेट है और जो इन जनरल जो सक्सेस रेट है, क्या उनमें सच में बहुत बड़ा डिफरेंस है? तो उसका आंसर है नो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। भले जो 2 साल का टाइम होता है 11-12 का, या 4 साल का, 9 से 10 से 11-12 या 4 साल का, तो उसमें जो बच्चा स्कूल जा रहा है वो थोड़ा सा बर्डन फील करता है, उसको स्कूल भी जाना है, भाग दौड़ करनी है, फिर कोचिंग भी जाना है, और जो डमी स्कूल ज्वाइन कर रखा है वो थोड़ा सा टेंशन फ्री है, वो अपना सिर्फ कोचिंग जा रहा है, उसमें पढ़ाई कर रहा है, तो वो थोड़ा सा खुश रहेगा क्योंकि उसको बर्डन या लोड नहीं उठाना पड़ा। लेकिन ये देखिए डमी स्कूल की जो ये जो चीज़ें थी कि अटेंडेंस जो है आपको नहीं लगानी है, आप बिना अटेंडेंस लगाए आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि लोगों के नोटिस में नहीं आ रही, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के नोटिस में आई हैं, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने उनके अटेंडेंस का मिनिमम एक क्राइटेरिया भी रखना स्टार्ट कर दिया है। और सिंस जो है डमी स्कूल वाले कई बार क्या करते हैं, ये धोखाधड़ी की जिस दिन उनके यहाँ विजिट होने वाली होती है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की, तो बच्चों को मैसेज दे के बुला लेते हैं पहले से, तो ये सारी चीज़ों को बचने के लिए गवर्नमेंट बायोमेट्रिक सिस्टम ही लाने वाली है। अलग बात है कि डमी स्कूल के आप देख रहे होंगे, मैंने पिक डाली, उसमें काफ़ी सारे स्कूल वाले इसको अपोज कर रहे हैं, बट कभी ना कभी ये सिस्टम आ ही जाएगा, तो डमी स्कूल का कल्चर बहुत ज़्यादा दिनों तक वैसे भी चलने वाला नहीं है। अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम आएगा तो डमी स्कूल का बंकिंग ऑफ क्लासेस का सिस्टम खत्म हो जाएगा। देखिए अब मैं डमी स्कूल के डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ। बच्चा जो 11-12 का डमी स्कूल कर रहा है या डमी स्कूल पेरेंट्स को बता रहा है कि ऐसे करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस से लोड से बचना चाहता है। स्ट्रेस और लोड सीखने का, स्ट्रेस मैनेजमेंट का यही एज होती है। 10 तक तो बच्चों पर प्रेशर डाला ही नहीं जाता वैसे। स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो पहला जो हमारे दिमाग में जो हमारे सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर बनता है वो यही सिस्टम है। अगर बच्चा स्ट्रेस या लोड लेने से बच रहा है तो वो बाद में कहाँ तक स्ट्रेस या लोड को अवॉइड करेगा? कहीं ना कहीं तो उसको स्ट्रेस या लोड लाइफ में लेना ही पड़ेगा। तो अगर वो यहाँ इस स्टेज में अवॉइड कर रहा है तो फिर बाद में उसको स्ट्रेस या लोड जब भी उसके ऊपर आएगा प्रोफेशनल लाइफ में, तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा, जो कि एक करियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। और अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डमी स्कूल की बजाय रेगुलर स्कूल किया और उससे उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। मैं आपको बताऊं, एक पीयूष श्रीवास्तव करके IIT में रैंक 1 लाया था, मुझे याद नहीं 2004, 2005, 2006 के आसपास वो बच्चा IIT में भी रैंक 1 लाया था। वो बच्चा उस समय AIIEEE में भी रैंक 1 लाया था, बोर्ड का भी, CBSE बोर्ड का भी टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक 1 विदाउट एनी कोचिंग। रेगुलर स्कूल उसने अलाहाबाद से किया था, अलाहाबाद का था रहने वाला वो, अलाहाबाद से रेगुलर स्कूल से उसने रैंक 1 लाके दिखाया था पूरे इंडिया में। और ये स्कूलिंग, रेगुलर स्कूलिंग के साथ साथ बच्चा अगर अपनी खुद की प्रिपरेशन करे तो कर सकते हैं। और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो इस समय अगर लर्न नहीं करेगा तो कब लर्न करेगा? नंबर 2, दूसरी चीज़ होती है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो सिर्फ वो पढ़ाई नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें सीखता है। पीयर ग्रुप के साथ इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन, सोशल ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, डिसिप्लिन कैसे रखना है, टाइम को कैसे मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखता है। इस तरह से हम अपनी पढ़ाई को बांटें। अगर बच्चा सारा काम छोड़ के सिर्फ एक जगह किताब रख के अपनी कोचिंग की बैठ जाएगा तो वो टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें, सोशलाइजेशन, ये कभी सीख ही नहीं पाएगा। और अगर बच्चा प्रॉपरली सोशलाइज नहीं हो पाएगा, जो कि टीन एज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है सोशलाइज होना, तो कहीं ना कहीं बाद में भी जाके आइसोलेटेड और लोनली रहने की कोशिश करेगा, जो कि पूरी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो इंटरेक्शन के थ्रू ग्रुप लर्निंग होती है जो स्कूल में बच्चा सीखता है, अगर वो ग्रुप लर्निंग नहीं हो पाएगी और बच्चा सिर्फ एक इंडिविजुअल लर्नर रह जाएगा, सेल्फ लर्निंग में फोकस करेगा और टीम पे या ग्रुप पे ध्यान नहीं देगा, तो देखिए कोई भी कंपनी जब वो बाद में ज्वाइन करेगा, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो जब सोशल इंटरेक्शन की बात आएगी तो सोशल इंटरेक्शन में वो कहीं ना कहीं वो बंदा पीछे रह जाएगा।
और कोई भी करियर, चाहे वो इंजीनियर का हो, चाहे वो एक डॉक्टर का हो, चाहे वो बाद में मैनेजमेंट करके कंपनीज में मैनेजरियल पोजीशन पे चला जाए, किसी भी पोजीशन पे चला जाए, किसी भी टाइप का वर्क एनवायरनमेंट हो, कहीं ना कहीं टीम वर्क का इम्पोर्टेंस होता है और ये बच्चे कहीं ना कहीं उसे पीछे रह जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने डमी स्कूल करके और सिर्फ कोचिंग के मटेरियल पे फोकस करके उन्होंने एग्जाम निकाल लिया, बट बाद में जाके वो कंपनीज में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और जब उनके ऊपर स्ट्रेस आया, इवन IITs की बात करूँ, मेरे साथ का एक, मैं अपने बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, साथ का एक बंदा IIT कानपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गया, बट जब IITs में जाके वहाँ पे पढ़ाई का प्रेशर आया, वहाँ पे तो पढ़ाई आपको, वहाँ पे तो अटेंडेंस भी मैंडेटरी है, तो वहाँ पे वो बंदा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि जिस बंदे को खाली रह के पूरे टाइम पढ़ने की आदत थी, अब उसको जाना भी है वहाँ पे, क्लासेस भी अटेंड करनी है, बंक भी बहुत ज़्यादा नहीं मार सकता, और वहाँ पे उसको पढ़ाई भी करनी, जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर आया तो वो परफॉर्म नहीं कर पाया, वो फेल हो गया और बाद में उसको IIT कानपुर से निकाल दिया गया, एक्सपेल्ड फ्रॉम IIT कानपुर। तो ये देखिए, इन सारी चीजों से बचने का एक ही तरीका है कि हम डमी स्कूल मेरे हिसाब से ज्वाइन ना करें, हम रेगुलर स्कूलिंग ही करें और अपना पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का टाइम उसी से निकालने की कोशिश करें। और सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकाला जा सकता है अगर हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को, इधर उधर आने जाने के टाइम को मिनिमाइज करें, हम जो कोचिंग में जाने का जो जो डेज होते हैं उसको मिनिमाइज करें, हम ये नहीं कि मंडे से लेके संडे तक सारे दिन जो है वहाँ पे कभी टेस्ट के कभी किसी के बहाने रोज हम वहाँ कोचिंग में जा रहे हैं, कोचिंग वाले प्रेफर भी करते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये कोचिंग वालों की जो टैक्टिक्स है बच्चों को पूरी तरह एंगेज रखने की, कहीं तो ना देखने की, वो बच्चों का सक्सेस का जो रेशियो वो घटा रही है, बच्चों का रिजल्ट उतना नहीं आ रहा है, लेकिन बच्चों को इंगेज वो पूरा तरीके से रखने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। तो मेरे हिसाब से बच्चों को रेगुलर स्कूल करना चाहिए और ऐसी कोचिंग करनी चाहिए जो उनको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम दे, भले वो कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग हो, जिससे कम से कम ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचे और बच्चा जो उसके डाउट है बिल्कुल फोकस्ड उन चीज़ों पे फोकस कर सके और उन चीज़ों को लर्न करने में वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके। तो कहीं ना कहीं हमें ये डमी स्कूल के डिसएडवांटेज समझने होंगे, क्योंकि बात सिर्फ एग्जाम निकालने तक की नहीं है, बात है पूरी लाइफ में सक्सेस की। तो सो जस्ट थिंक।